10.8 The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. You know, बच्चों, बहुत ध्यान से आप इस थ्योरम को समझें, because 10.5 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, okay, mostly based on this theorem, that is 10.8. You know what, theorem क्या कहती है? सबसे पहले आप ध्यान से समझेंगे. ये कहती है, you know, कि जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होती है, okay? जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होती है किसी आर के थ्रू जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होती है वो डबल होती है एज कंपेयर टू एंगल सबटेंडेड टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. सपोज दैट दिस इज आर्क ए बी, राइट? इसे हम सपोज कर लेते हैं पॉइंट पी से, थ्री पॉइंट से डिनोट कर देते हैं. ये आप ध्यान से समझे, यू नो दिस इज आर्क, ये तो हमारा आर्क है ए बी, और ये आर्क यू नो सेंटर पे, दिस इज सेंटर, ये सेंटर पे 60 डिग्री एंगल बना रही है, ओके? इसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल. व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसे हम कहेंगे सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल, जो एंगल सेंटर पे बनती है उसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं किसी आर्क के थ्रू, ओके? और ये एंगल है, ये भी एक एंगल है, ओके? ये भी किसी आर्क के थ्रू बनाया जा रही है, आर्क ए बी के थ्रू. बट यू नो जो एंगल सर्कल पे बनती है वो सेंट्रल एंगल की हाफ होती है, ओके? सेंट्रल एंगल की हाफ. अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री. अंडरस्टूड? मींस हम इस तरह से कह सकते हैं, जस्ट लुक हियर, एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल है. एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज डबल ऑफ एंगल, इसे हम पॉइंट पी समझ लेते हैं. दिस इज पॉइंट पी, इस एंगल को हम पी समझ लेते हैं, सपोज कर लेते हैं. सो एंगल ए पी बी, इसी आर्क से बन रही है एंगल ए पी बी सर्कल पे, और ये एंगल क्या होगी? सेंट्रल एंगल की हाफ. तो सेंट्रल एंगल क्या होती है? सर्कल पे जो एंगल बनती है उसकी डबल. सो एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ एंगल ए पी बी. एंगल ए पी बी सेंट्रल एंगल सर्कल पे बने हुए एंगल की डबल होती है, राइट? एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल टू एंगल ए पी बी, ए पी बी के डबल, ये सेंट्रल एंगल है. वही टू एंगल ए पी मीन्स व्हाट? टू एंगल ए पी मीन्स टू इंटू ए पी बी, ट्वाइस ऑफ एंगल फॉर्म्ड ऑन द सर्कल. वही हम इस तरह से कह सकते हैं एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी जो सर्कल पे एंगल बनती है वो सेंट्रल एंगल की हाफ होती है. एंगल ए पी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ है, ये सेंट्रल एंगल को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, एंगल ए ओ बी. अंडरस्टूड? आज समझ में थ्योरम? यू नो किसी आर के थ्रू अगर सेंट्रल एंगल बनती है तो वो डबल होती है, ओके? एज कंपेयर टू एंगल सबटेंडेड ऑन अ सर्कल एट एनी पॉइंट, ओके? सर्कल के किसी पॉइंट पे अगर कोई एंगल बनती है तो वो सेंट्रल एंगल की हाफ होती है, और सेंट्रल एंगल किसी पॉइंट के सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बनती है तो उसकी डबल होती है. दैट्स इट. थ्योरम 10.9 क्या कहती है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. अगर एक ही सेगमेंट पे टू और थ्री एंगल्स बनते हैं तो ये सभी के सभी एंगल्स इक्वल होंगे. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सपोज दैट दिस इज सेगमेंट ए बी, ये सेगमेंट है ए बी, ओके? नो दिस इज सेगमेंट ए बी. इससे जो एंगल बनती है दैट एंगल विल बी इक्वल एज कंपेयर टू द एंगल, ये सेगमेंट है ए बी, और सेगमेंट ए बी से जो एंगल बनती है दैट इज इक्वल, ये हम सपोर्टेड यहां पे सेंटर है, ओके? सपोर्टेड दिस इज सेंटर. अगर ये एक्स है ये भी एक्स हो जाती है. अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगी, राइट? मींस एंगल्स फॉर्म्ड बाय द सेम सेगमेंट
एक ही सेगमेंट के द्वारा अगर एंगल बनती है तो वे सारे के सारे एंगल्स इक्वल होती हैं। हम इसे डिनोट कर सकते हैं ए बी पी एंड इसे क्यू। एंगल ए पी बी 30 डिग्री, एंगल ए क्यू बी 30 डिग्री, एंगल ए पी बी ये एंगल इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ए क्यू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल्स आर इक्वल, सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनती है वो इक्वल होती है। अंडरस्टूड? क्लियर? थ्योरम 10.10 क्या कहती है समझेंगे। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑब्टेन इक्वल एंगल्स एट द अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द फोर पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल एंड दैट इज दे आर कॉन्साइक्लिक। पोस्ट मीन थ्योरम को समझेंगे। थ्योरम क्या कहती है? कहती है अगर एक लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट्स को मिलने से बनता है, अगर सपोज दो पॉइंट को जोड़ने पे जो हमारी लाइन सेगमेंट बनती है, इन लाइन सेगमेंट के सेम साइड पे अगर दो एंगल्स बनती इन्हीं लाइन सेगमेंट से, ओके, अगर दो एंगल्स बनती है ऑन द सेम साइड एक ही साइड पे, तो ये सब के सब पॉइंट्स ए बी ए बी ए बी सी डी ए बी सी डी ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ओके, ए बी सी डी ये फोर पॉइंट सब के सब चारों के चारों पॉइंट्स क्या होंगी एक ही सर्कल पे लाई करेंगी। अंडरस्टूड? अगर किसी दो पॉइंट से अगर लाइन सेगमेंट पास होती है या दो पॉइंट को मिलाने पे अगर लाइन सेगमेंट बनती है और इन दो लाइन सेगमेंट के सेम साइड पे अगर दो एंगल्स बनते हैं तो ये दोनों के दोनों एंगल्स मीन चारों चार पॉइंट्स सेम सर्कल पे लाई करेंगी। थ्योरम 10.11 कहती क्या है? द सम ऑफ इधर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ इधर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मींस try to understand what do you mean by cyclic quadrilateral. मैंने क्या कराया था? Just try to recall introduction class. Okay? सबसे पहले जो circle की introduction class थी, first video. Okay? I have taught you that cyclic quadrilateral हम उसे कहते हैं. Okay? If all the four vertices of a quadrilateral lies on the side का यहाँ पे. अगर ये four points A, B, C, D. अगर किसी circle पे quadrilateral के four vertices ओके चारों के चारों वर्टिसेस अगर सर्कल पे लाई करती है तो उसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम 10.11 सेज द सम ऑफ इधर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। और थ्योरम 10.11 कहती है कि यू नो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम कितनी होती है 180 डिग्री के बराबर होती है। एंगल ए प्लस एंगल सी इन दोनों के सम क्या होंगी 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। थ्योरम यही कहती है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मींस किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स के सम, अपोजिट एंगल्स के सम क्या होंगे 180 डिग्री। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। Suppose that ये हमारी है 100 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री है what will be the value of this? एंगल सी कितनी होगी? तो हम कैसे सोल्व करेंगे? Let's look here. एंगल ए प्लस just let me draw first of all. हमें पता है you know cyclic quadrilateral में क्या होता है अपोजिट एंगल के सम 180 डिग्री के बराबर होते हैं right? So एंगल ए की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री। हमें फाइंड आउट करने हैं एंगल सी की वैल्यू क्या व्हाट विल बी। वी नो दैट हमें पता है कि ये अपोजिट एंगल्स है और किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए कितनी है 100 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसलिए हम एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 180 में से 100 को माइनस करेंगे। 180 डिग्री में से 100 डिग्री को माइनस करेंगे व्हाट विल कम 80 डिग्री। अगर ये 100 है तो व्हाट विल बी दिस 80 डिग्री क्योंकि ये दोनों के सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सो अगर ये 100 है इट विल बी 180 डिग्री। और अगर ये 20 है तो व्हाट विल बी दिस। अगर ये 20 है तो इसके सम होगी 160 डिग्री सपोज दैट मान लेते हैं। अगर ये 50 है तो इसका सम कितना होगा 130 डिग्री। अंडरस्टूड? क्योंकि दोनों के सम जो होते हैं अपोजिट एंगल के सम 180 डिग्री होता है तो हम दोनों के सम को ऐड करके देखेंगे। अगर एक गिवन है तो वाले टीम से माइनस करके देखेंगे। अंडरस्टूड?
नाउ अब हम देखेंगे कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.11। थ्योरम नंबर 10.12। थ्योरम नंबर 10.12 क्या कहती है? तो थ्योरम नंबर 10.12 जस्ट रिवर्स ऑफ 10.11। ओके, थ्योरम नंबर 10.12 जस्ट 11 का रिवर्स है। टेलिंग इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर अपोजिट पेयर 180 डिग्री के बराबर हो तो वो कहलाएगा व्हाट? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टूड? अगर एंगल ए प्लस एंगल सी के सम क्या हो जाते हैं? 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी के सम अगर 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, सो एंगल बी प्लस एंगल डी भी अगर 180 डिग्री के बराबर हो, अगर ऐसी कंडीशन हो कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल के सम 180 डिग्री हो तो वी कैन से दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक है। बस यही था थ्योरम नंबर 10.12। सो बच्चों, यू नो व्हाट, सारे थ्योरम्स को अच्छे ढंग से समझे, कुछ थ्योरम को प्रूफ करने हैं, कुछ थ्योरम को आपको लर्न करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, बिकॉज इस थ्योरम के यूज से हम क्वेश्चंस करेंगे 10.5 के क्वेश्चंस बहुत इजी होने वाले हैं अगर आप सारे थ्योरम्स को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। अंडरस्टूड? सो प्लीज गो ऑन वॉचिंग इट। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज 10.5 सॉल्यूशन। टिल देन बाय बाय।